हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेज इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूँ तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूँ तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूँ तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पढ़े क्लासेज की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पर जाइए, पढ़े क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आज सब आए हैं? मुझे रिप्लाई करो। तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? रेस्पिरेशन किया था एंड अपना जो डाइजेशन का कुछ पार्ट किया था एंड उसके एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए थे। लास्ट लेक्चर में कोई भी प्रेजेंट नहीं था? कहाँ थे सब लोग? रिप्लाई करो भाई जल्दी जल्दी। फिर हम क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो हम वो डिस्कस करेंगे और वरना नेक्स्ट टॉपिक एंड साथ में उसके एमसीक्यूज भी करेंगे आज। हेलो रोहित, वेर इज हिताक्षी? रोहित, लास्ट लेक्चर में जो भी हुआ वो आपको समझ आ गया? कोई डाउट है आपका? क्वेश्चन आंसर्स किया आपने? हेलो रवि, ओके, तो जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया मुझे क्विक आंसर्स दो। कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं रिलेटेड टू डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। ओके ओके, तो आप लोग मुझे बताइए कि जब वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो कितने अमाउंट ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो आप लोग बताइए मुझे फटाफट आंसर कीजिए कि कितने नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। माय क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस, हमने पढ़ा था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, अगर मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूँ के बारे में आपको पूछ रही हूँ, तो किस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात हो रही है यहाँ पर? वेरी गुड रोहित, 38 ATPs। यस, 38 ATP इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूं, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाए, ठीक है, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड इन इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे हम एक लैक्टिक एसिड में करते हैं और एक इथेनॉल जहाँ बनता है, तो उनमें कितना अमाउंट ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस होंगे दोनों रिएक्शंस में? रवि, आपको नहीं पता कितने एटीपीज प्रोड्यूस होंगे? बताइए जल्दी। यस रोहित, करेक्ट आंसर। यस रवि, 2 ATPs विल बी प्रोड्यूस। ओके, सो एक क्वेश्चन है जिसे मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ दोबारा। ये क्वेश्चन
द क्वेश्चन इज पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम विच डाइजेस्ट फॉलोइंग द न्यूट्रिशन पार्ट. कौन कौन से पार्ट को डाइजेस्ट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जल्दी बताओ मुझे आंसर क्या होगा इसका. एक पिछली बार से इसमें मॉडिफिकेशन है आंसर में, आप मुझे क्विकली बताइए इसका आंसर क्या होगा. सेवेंथ का यस गाइस, प्लीज क्विक, बी क्विक. प्रियंका ए, ओके. रवि ए. सो द मॉडिफाइड आंसर विल बी डी, प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स. बिकॉज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स तो करेगा भी, लेकिन फैट्स का भी डाइजेशन होगा. कैसे होगा? पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रियाटिक लाइपेज. व्हाट इट सिक्रीट्स? पेनक्रियाटिक लाइपेज. लाइपेज है तो किसका डाइजेशन करेगा? फैट्स का डाइजेशन होगा. ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. पेनक्रियाटिक जूस जो है वो तीनों का डाइजेशन करेगा. ओके, इन क्वेश्चन में से कोई डाउट है किसी को जो नहीं किसी से सॉल्व हुए हो, या कोई डाउट हो कि मैम ये आंसर कैसे आया, तो मुझे पूछ लीजिए जल्दी. नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा. ओके देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, किस किस में पढ़ेंगे हम? हमारी जो सिलेबस में मेंशन है ह्यूमंस, दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस. लास्ट हमने जब किया था तो हमारा फूड डाइजेशन हुआ, फूड एब्जॉर्ब हो गया था, रेस्पिरेशन से हमें क्या मिल रही थी? एनर्जी. ठीक है, अब इस ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रांसपोर्ट हमें किसका करना होगा? फूड मटेरियल जो एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, और जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस हो रही है वो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचानी है. तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विच आर एब्जॉर्ब्ड और प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ बॉडी एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी. दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन किस में होता है? ह्यूमंस एनिमल्स में भी होता है एंड प्लांट्स में भी होता है. एंड डिफरेंट डिफरेंट वेज है ट्रांसपोर्टेशन के भी. ह्यूमंस में जो है ट्रांसपोर्टेशन का रेट जो है वो काफ़ी फास्ट है. क्यों? क्योंकि हम हायर ऑर्गेनिज्म हैं और हमें क्या होती है, इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, प्लांट्स क्या होते हैं, ये एक जगह स्टिल होते हैं. ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, वो मूव नहीं कर पाते हैं. ठीक है, एक जगह क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उनके अंदर क्या होता है, इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता एनर्जी का, इतना फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं होता. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो स्लो इन केस ऑफ प्लांट्स. तो हम आज प्लांट्स और ह्यूमंस का डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन. तो फर्स्ट मैं डिस्कस करने वाली हूँ ह्यूमंस के केस में. ह्यूमंस क्या है? एनिमल्स. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या होगा? हमारे जो बॉडी में है ट्रांसपोर्टेशन किस मीडियम के थ्रू होगी? दैट इज ब्लड. ट्रांसपोर्टेशन का वे क्या है? ब्लड. एंड ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है इसे? क्योंकि ये हर एक ऑर्गन को क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू थ्रू विच ह्यूमन
ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इन एनिमल्स. ओके, हायर एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ. किसके थ्रू होगा? ब्लड. ब्लड में क्या क्या होता है तो हम पढ़ेंगे इसका कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. आप लोग मुझे बताइए ब्लड ब्लड सॉरी ब्लड में कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं. ठीक है, जल्दी मुझे रिप्लाई करो फटाफट. यस रवि, रोहित एंड प्रियंका, प्लीज रिप्लाई मी. व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड? कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं? आपने अपने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा. So the answer is red blood cells, that are RBCs, WBCs, platelets. Okay? ठीक है, मेन ये कॉम्पोजिशन होता है. RBCs होते हैं, WBCs होते हैं, platelets होते हैं. तो आप मुझे बताइए what is the function of RBC? Yes, very good Priyanka. Yes, Ravi, very good. सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ. हमारे जो सेल का कॉम्पोजिशन, ब्लड का कॉम्पोजिशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर के एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. फर्स्टली आरबीसीज आर द सेल्स. हमारी बॉडी में ये सेल्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में. एनिमल्स की बात करूँ, बाकी सभी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट जो आरबीसीज हैं दे आर विदाउट न्यूक्लियस. ठीक है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. ओके, किसी को पता है कि आरबीसी सिंथेसाइज कहाँ होते हैं और डिग्रेड कहाँ होते हैं, या फिर उनका लाइफ टाइम कितना होता है हमारी बॉडी में? जल्दी बताइए भाई. हीमोग्लोबिन तो पिगमेंट होता है रोहित. इट इज द पिगमेंट प्रेजेंट इन द विच गिव्स द कलर टू द रेड ब्लड सेल्स. सिंथेसिस इनकी होती है बोन मैरो में. ओके, कहाँ होती है? बोन मैरो में. बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है? जो हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स होती हैं उसका जो सेंटर पार्ट होता है, ठीक है, विच इज़ अ स्पॉन्जी टाइप ऑफ इन कॉम्पोजिशन, वहाँ पे क्या होगी? आरबीसीज की सिंथेसिस होगी. और डिग्रेडेशन कहाँ होगी? पहले तो ये बताओ कि इनका शेल्फ लाइफ. शेल्फ लाइफ क्या होती है कि कितना टाइम तक वो हमारी बॉडी में रहेगा? तो शेल्फ लाइफ ऑफ आरबीसीज इज 120 डेज. ठीक है, 120 डेज तक जो है आरबीसीज हमारी बॉडी में रहते हैं, उसके बाद वो डिग्रेड होते हैं और नए आरबीसीज हमारी बॉडी में ब्लड में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, उसके बाद डिग्रेडेशन. अब इतना टाइम पीरियड है, जो पहले बने हो उनको भी कहीं जाना होगा, अगर वो डिग्रेड नहीं हुए तो हमारी ब्लड में क्या होगा? एक्सक्रीटरी मटेरियल क्रिएट हो जाएगा, उसको हमें बाहर तो निकालना है. सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी दे आर डिग्रेडेड इन
ये समझ में आया सभी को? ये कॉम्पोजिशन हो गया हमारा। डिग्रेडेशन कहाँ होता है? स्प्लीन में। डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। स्प्लीन जो हमारा ऑर्गन है वहाँ पे इसका क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा, वहाँ से रिमूव हो जाएंगे और हमारे नए आरबीसी जो है वो हमारे ब्लड में एंटर करेंगे। ओके, नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट WBCs, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट क्यों होते हैं? बिकॉज इनमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे लैक हीमोग्लोबिन पिगमेंट। एक यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, हीम जिसकी यूनिट है HAEME, हीम, इसमें कौन सा मेटल है वो प्रेजेंट होता है? तो इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? आयरन, ठीक है, आयरन मेटल। ओके, दे लैक हीमोग्लोबिन पिगमेंट, दैट्स वाई दे आर वाइट इन कलर। और इनका एक फंक्शन है, दे हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर करेगा ब्लड में, ठीक है, या कोई और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या एजेंट एंटर करेगा, तो वो किससे, कौन इसको रिकॉग्नाइज करेगा? WBCs इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको क्या करेंगे? किल करेंगे, ठीक है। WBCs के बहुत टाइप होते हैं, ठीक है, और इनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और हर सेल में जो है ना डिफरेंट शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बेसिस पे WBCs की सेल्स को हम डिवाइड करते हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि WBCs में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पर मैं फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग अबाउट यू द नेम्स ऑफ WBCs, दैट इज टाइप ऑफ WBCs, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस। ओके, ये नाम है कुछ WBCs के। देन आता है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, दीज सेल्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जब भी हमें कोई चोट लगती है, ठीक है, उसके थोड़े टाइम तक क्या होता है? ब्लीडिंग होती है हमें, उसके बाद विद इन फ्यू मिनट्स, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स एंड सेकेंड्स, तो हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो किसकी वजह से होती है? हमारे ब्लड में क्या होते हैं? प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे जो ये हमारी स्किन है, ये हमारा स्किन सरफेस है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमें कट लगा किसी भी चीज़ से, ओके, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लेटलेट्स और WBCs क्या करेंगे? सबसे पहले आएंगे। WBCs क्या करेंगे? अगर यहाँ से किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया, किसी भी फॉरेन बॉडी का अगर एंट्री होगा, तो यहाँ पे WBCs और प्लेटलेट्स आएंगे। WBCs क्या करेगा? उसको फॉरेन बॉडी को किल करेगा, और प्लेटलेट्स क्या करेंगे? यहाँ पे जो पोर या छोटा सा होल क्रिएट होगा उसको क्या कर देंगे? क्लॉग कर देंगे, वहाँ पे जाके चिपक जाएंगे, सो दैट कि हमारे बॉडी से ब्लड लॉस नहीं हो, ठीक है। ये फंक्शन है प्लेटलेट्स का, दे हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ब्लड, और ब्लड ही पिगमेंट है हमारी बॉडी में जो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है।
फूड एब्जॉर्ब होता है इसी में होता है, ट्रांसपोर्ट होगा इसी से होगा, रेस्पिरेशन भी क्या होगा सेल्स में जाएगा, एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो भी फूड से कैरी आउट करके कौन कराएगा, ब्लड ही कराएगा, ठीक है। तो ब्लड इज द मेन, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ब्लड इज द क्रूशियल कनेक्टिव टिश्यू इन आर बॉडी। अब भाई ये तो हमें पता चल गया कि ब्लड कराएगा ये सब काम, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स को किल अगर करना है, WBCs को लाना है, ब्लड क्लोटिंग करानी है, ठीक है। अब ये भी तो है कि सिंथेसाइज, चलो हमारी जो बोन मैरो कर रही है, अब ब्लड को भी क्या है हर एक ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए कोई एक ऐसी मशीनरी चाहिए, ठीक है, जो इतना प्रेशर लगाए कि हर एक ऑर्गन तक हमारा ब्लड पहुँच जाए। सो द पम्पिंग ऑर्गन इज, जो पंप करेगा, ठीक है, ब्लड को सर्कुलेट कराएगा हमारी बॉडी में, पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट। क्या होता है हार्ट, हर्ट नहीं होता है, हर्ट तो क्या होगा किसी को चोट लगती है, ठीक है, दर्द होता है, दैट इज हर्ट, ये होता है हार्ट, हार्ट बोलते हैं इसको, ओके, हर्ट नहीं बोलना है इसको। दिस इज द मेन पंपिंग ऑर्गन इन द एनिमल्स, ओके। प्लांट्स में हार्ट नहीं होता है भाई, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स होते हैं, डिफरेंट कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जो कि क्या कराएंगे फूड एंड मिनरल और वाटर का क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन, पहले मैं आपको बताती हूँ फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, आपने किंगडम क्लासिफिकेशन तो पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, देन आते हैं हमारे बर्ड्स, एव्स आते हैं, देन लास्ट में आते हैं मैमल्स। तो इनमें जो है हार्ट सब में प्रेजेंट है, बट जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उसमें नंबर में क्या है डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ इन केस ऑफ ये आपको याद रखना है कि किसमें कितने चैम्बर्स हैं, ठीक है। इन केस ऑफ फिशेस हार्ट इज टू चैम्बर्ड, ओके, कितने चैम्बर हैं, टू चैम्बर्ड। दो चैम्बर कौन कौन से होंगे, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। आपने ये तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा आपने पहले भी, ठीक है, ये तो मैं अभी करा रही हूँ, आपको पता होंगे ऑरिकल वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, बट फिर भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी कि ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये किस में था, फिशेज के केस में। नेक्स्ट है एम्फीबियंस, अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। प्लीज गाइज इस चीज़ को याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि किस एनिमल में कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ठीक है। तो एम्फीबियंस में होता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट, कितना होता है थ्री चैम्बर, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। अब मैं ऑरिकल को ए से डिनोट करूंगी एंड वेंट्रिकल को वी से, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, टू ऑरिकल्स प्लस वन वेंट्रिकल, ओके। रेप्टाइल्स में भी क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, थ्री चैम्बर्स होते हैं,
सेम, टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल. ठीक है, मैमल्स में क्या होते हैं? मैमल्स हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट. आपको मेन याद रखना है कि इनके तो सिर्फ इतना याद रखना है कि कितने कितने चैम्बर्स होते हैं. अगर आपको ये भी याद नहीं है ना कि कितने ऑर्टिकल कितने वेंट्रिकल है, चलेगा. बट इन केस ऑफ मैमल्स, ये आपके सिलेबस में है, ह्यूमंस का हमें डिस्कस करना, तो ये आपको पता होना चाहिए. फोर चैम्बर्ड है जिसमें टू ऑरिकल्स हैं और टू वेंट्रिकल्स हैं. ठीक है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे. रवि, क्रूशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो उसे हम क्रूशियल बोलते हैं. वेरी गुड रोहित, यू आर आंसरिंग राइट. तो अब हम बात करेंगे हमारे ह्यूमन हार्ट की, फाइनली, कि ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे पंपिंग करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक कैसे ब्लड पहुंचाता है. आपने एक टर्म सुनी होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, टर्म्स को समझ लीजिए. ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाम से ही क्लियर है कि ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होगा. डी का मतलब होता है डीई, इसका मतलब होता है जिसमें एब्सेंट हो या रिमूवल जिसे हम बोल देते हैं. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी. ठीक है, और इसमें होगी कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ये फर्क है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन देगा हमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे पास लंग से. लंग से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, वहाँ से हमारे जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिल रही होगी. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें मिलेगा लंग्स से आएगा. ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है कमिंग फ्रॉम लंग्स. लंग से आएगा, हार्ट में एंटर करेगा. अब मैं बताऊंगी कि लेफ्ट और राइट साइड जो होता है हार्ट का, कौन से चैम्बर में एंटर करेगा और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये कहाँ से आएगा? इट इज कमिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल्स. जो सेल्स रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ से क्या होगा, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी, गैस मिक्स होगी, जो कहाँ जाएगी, प्योरिफिकेशन के लिए किसके पास जाएगी, लंग्स के पास. ठीक है, और लंग्स को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी. ठीक है, पल्मोन का मतलब ही क्या होता है, लंग्स का सेकेंड नेम. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. अब आते हैं हम ह्यूमन हार्ट में. ह्यूमन हार्ट हैव फोर चैम्बर्स. ओके, फोर चैम्बर्स होते हैं इसमें. इट हैव टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स. दो ओरिकल कैसे, वन राइट प्लस वन लेफ्ट. सेम विद दिस, वन राइट प्लस वन लेफ्ट. यहाँ पे मैं एक छोटे से डिपिक्शन, डायग्रामेटिक डिपिक्शन से बता रही हूँ. बस नेक्स्ट जो हम पेज पे करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे, उस पर मैं आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बताऊँगी, कैसे कहाँ से होता है वो बताऊँगी. सपोज ऐसा शेप होता है ना, गॉड. ठीक है, इसमें क्या होगा, दीज आर टू ऑरिकल्स. अपर जो पार्ट होगा, सेक्शन होगा हार्ट का, दीज आर टू ऑरिकल्स. एंड जो नीचे प्रेजेंट होते हैं चैम्बर्स, उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ओके, ये है हमारा. अगर मैं इस साइड खड़ी हूँ, अगर मैं इस साइड से अपने इधर बताऊँ, तो दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज लेफ्ट. ओके, दिस वन इज द राइट साइड एंड दिस वन इज द लेफ्ट साइड. सो दिस इज द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके,
ठीक है, समझ में आया? दो ऑरिकल एंड दो वेंट्रिकल्स होते हैं ऐसे, ठीक है। और हम अपने जो ह्यूमन हार्ट होता है, इट इज़ मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब जिसके पास खुद का एक पल्स हो जो अपने आप बीट करता है, उसको किसी के सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती है। उसके पास खुद सिग्नल्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, और सिग्नल प्रोवाइड करने वाला कौन होता है? एवी नोड एंड एस ए नोड, ठीक है। आपको बस ये नाम याद रखने हैं। मैकेनिज्म कैसे होता है वो आप अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आपके सिलेबस में यही है। सो नेक्स्ट इज ह्यूमन हार्ट। ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। यहाँ से हमारी क्या करती है? एओर्टा अराइज करती है। इधर से दो वेसल्स आएंगी, इन वेसल्स का नाम क्या है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पी ए एंड पी वी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और इधर से आएगी हमारी, दिस वन इज, लेट मी राइट हियर, दिस वन इज एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी है। दिस इज वेना कावा, इसका नाम है वेना कावा। एक वेना कावा यहाँ होगी, ये अपर है, एंड दिस वन इज लोअर वेना कावा। यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, मैंने ब्लू कलर से दिखाई हैं, ठीक है। तो इन वॉल्स का नाम है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, और इनका नाम है बाइकस्पिड। ये एओर्टा में जो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे भी एक वॉल प्रेजेंट होती है। ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं डायग्राम जो है। मैं एक थर्ड जो वॉल प्रेजेंट है उसको डिफरेंट कलर से दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये पिंक कलर जो वॉल एओर्टा में ब्लड को पास करेगी, इसका नाम है सेमी ल्यूनर। क्या नाम है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। वॉल्व का मतलब तो समझ में आ गया कि वॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या रेगुलेट करेगा, प्रेशर इनकमिंग, ठीक है, जो ब्लड आएगा और जाएगा उसके। और जब ये है हमारे, आपको ये पता है ना, ये वेंट्रिकल्स हैं एंड दीज आर ऑरिकल्स। सबसे पहले क्या होगा? आर्टरी, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, ठीक है, ये बात आपको पता है, आर्टरी एंड वेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। ओ टू ब्लड लिख रही हूँ, इसका मतलब समझ लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, ठीक है।
जो आर्टरीज हैं उनका जो डायामीटर होगा, आर्टरीज क्या हैं, वेसल्स हैं, ब्लड वेसल, ये आउटर है ये इनर है, जो इसका डायामीटर है, दिस वन इज़ द डायामीटर, इनका डायामीटर क्या होगा, वाइड होगा ज़्यादा, और वेन्स का कंपैरेटिवली छोटा होता है डायामीटर, ठीक है, तो इनका स्मॉल डायामीटर होता है। ये फंक्शन है आर्टरी एंड ब्लड का, दोनों ब्लड कैरी करेंगी, ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। आर्टरीज जो हैं यूजुअली ऑक्सीजनेटेड एंड वेन जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इन केस ऑफ हार्ट देयर कम्स अ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, लंग्स से आती है यहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, और एक है पल्मोनरी वेन, ये पीवी, पीए और पीवी का फुल नेम है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, पीए एंड पीवी, ओके। सो जो मेरा लेफ्ट साइड है, दिस वन इज़ द लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एंड राइट साइड में जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम सुपीरियर एंड इन्फीरियर येस रोहित वेरी गुड पल्मोनरी आर्टरीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड येस इट कैरीज द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेयर कम्स द एक्सेप्शन वेरी गुड फ्रॉम सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा ये है हमारा सुपीरियर वेना कावा सुपीरियर क्यों बोला क्योंकि ये हेड के तरफ प्रेजेंट है अपर साइड सुपीरियर साइड है और ये लोअर जो है वो इन्फीरियर लोअर को क्या बोलते हैं इन्फीरियर इन दोनों वेसल से क्या होगा मैं ब्लड को शो कर रही हूँ मूवमेंट दिखाने के लिए ग्रीन कलर से ठीक है यहाँ से ब्लड एंटर करेगा दोनों तरफ से पीछे से वेसल्स आएंगी और ये ब्लड कहाँ एंटर करेगा राइट ऑरिकल में ठीक है राइट ऑरिकल इस टाइम क्या है रिलैक्सिंग स्टेट पे है राइट ऑरिकल में हमारा ब्लड आएगा ठीक है ब्लड आने के बाद ये फिल हो जाएगा ठीक है इसमें प्रेशर जनरेट होगा और यहाँ पे है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ठीक है ये क्या करेगी जैसे इसमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ ब्लड फिल हो जाएगा उसके प्रेशर से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं ठीक है ऐसे प्रेजेंट हैं ये क्या हो जाएगी प्रेशर की वजह से ऐसे खुल जाएंगी ठीक है तो ब्लड का मूवमेंट कहाँ होगा नीचे वेंट्रिकल्स में ब्लड ट्रैवल करके कहाँ आएगा वेंट्रिकल में उसके बाद जो है जैसे इसमें फिलिंग हो गई वेंट्रिकल्स में ब्लड की दीज ट्राइकस्पिड वॉल गेट क्लोज बंद हो जाएंगी इनका फंक्शन यहाँ पे क्या है ट्राइकस्पिड वॉल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगी वेंट्रिकल्स में तो उसमें प्रेशर जनरेट होगा प्रेशर जनरेट होने के कारण क्या हो सकता है कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो कर जाए तो उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या होती हैं वॉल्स होती हैं जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं राइट वेंट्रिकल में कौन सी है ट्राइकस्पिड एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में है बाइकस्पिड वॉल्स ओके तो ये क्या करेगी यहाँ से गॉड आई एम सो सॉरी गाइस यहाँ पे हमारी वॉल प्रेजेंट है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपना ब्लड कहाँ भेजेंगे आर्टरी वेन के थ्रू कहाँ फिल्ट्रेशन यहाँ पे कौन सा ब्लड आ रहा है जो हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी है ठीक है वो जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगी तो उसमें कौन सी गैस रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन जो ब्लड है हमारा क्या हो जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट हो जाएगी कम तो फिर इस ब्लड को हम कहाँ भेजेंगे प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स के पास तो द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल गोज टू द लंग्स फॉर द प्योरिफिकेशन ठीक है वहाँ से प्योरीफाई होने के बाद वो क्या होगा जो पल्मोनरी वेन है हमारी पल्मोनरी वेन क्या करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी इट विल एंटर टू द लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करके
सेम प्रोसेस होगा। पहले जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में होंगे तो वेंट्रिकल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑरिकल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ऑल्टरनेटिव होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसके बाद यहाँ से ब्लड इसमें फिल हुआ, ब्लड यहाँ पे आया, बाइकस्पिड वॉल्स ओपन होंगी, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल जो ओपन हुई तो उसके बाद ब्लड फ्लो करके कहाँ आया, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल से यहाँ एक रूट है हमारे पास विच विल लीड टू एओर्टा। एओर्टा क्या है, हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है। इट विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आया हमारे वेंट्रिकल में। यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मैंने बताया था आपको, सेमी ल्यूनर वॉल्स। ये वॉल्स क्या हो जाएगी, जब वेंट्रिकल प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये वॉल्स ओपन हो जाएंगी और ब्लड कहाँ मूव कर जाएगा, एओर्टा में। और एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये साइकिल है हमारे ब्लड की। ओके, आई एम राइटिंग हियर, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंटर इन टू राइट ऑरिकल। ओके गाइस, कहाँ एंटर करेगा, राइट ऑरिकल में। मैं दोबारा इसका एक क्विक रिव्यू कर देती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। जस्ट एक सिंपल सा डायग्राम बना रही हूँ। सपोज ये हमारा हार्ट है, जस्ट फॉर अ डिपिक्शन, ठीक है। इसके कितने चैम्बर्स हैं, चार चैम्बर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से, ये हमारा है राइट ऑरिकल, ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो ये मेरा कौन सा है, राइट साइड है। दिस इज़ द राइट ऑरिकल एंड दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल। ओके, ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ब्लड कहाँ से आएगा, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर, लोअर बॉडी पार्ट से और अपर बॉडी पार्ट से। सबसे पहले डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं दिखा रही हूँ ब्लू कलर से, ठीक है। कहाँ एंटर करेगा, ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर किया, राइट ऑरिकल में। यहाँ पर हमारी कौन सी वॉल्स प्रेजेंट है, बताइए फटाफट, बताइए मुझे जल्दी, क्विक आंसर करिए। मैंने अभी आपको बताया है दोनों साइड, दोनों वेंट्रिकल ऑरिकल के बीच में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। जल्दी बताओ मुझे कौन सी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, क्विक आंसर दो भाई। हाँ जी, रोहित, रवि, प्रियंका, जल्दी आंसर दीजिए मुझे, कौन से टाइप ऑफ वॉल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर। यहाँ पे है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्स, ठीक है। यहाँ पर है बाइकस्पिड, तो ट्राइकस्पिड की वजह से यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट, जब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा और ये वॉल्स क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, और ब्लड कहाँ फ्लो करके आएगा, वेंट्रिकल में। उसके बाद वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एक और चीज़, जो वॉल है वेंट्रिकल्स की इज थिक एज कंपेयर टू ऑरिकल। ऐसे हमारा वेंट्रिकल है, यहाँ पे वॉल है, और इधर ही हमारा ऑरिकल इसके साथ अटैच है। जो वेंट्रिकल की वॉल्स है ना, ये थिक हैं एज कंपेयर टू ऑरिकल। क्यों है ये थिक, आपको कोई आइडिया है? ये इसलिए थिक हैं बिकॉज हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत हाई अमाउंट का प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट मूवमेंट कराने के लिए इनका वॉल थिक है, एल्स क्या हो जाएगी, ये वॉल बर्स्ट हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो, ठीक है। इसीलिए इस वॉल को क्या बनाया गया है, थिक बनाया गया है।
हमारे बॉडी ने, ठीक है। इसलिए जो वेंट्रिकल की वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑरिकल्स। यहाँ पे फ्लो किया, यहाँ पे फ्लो करने, यहाँ पे आने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा? इट विल गो टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे लंग्स के पास, जो हमारा प्योरिफिकेशन सेंटर है। प्योरीफाई करेगा ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके ऑक्सीजन का ऐड करेगा, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। राइट ऑरिकल में कहाँ से आता है ब्लड? फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। लंग्स से राइट लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। लेफ्ट ऑरिकल में सेम वॉल्स ओपन होंगी। विच वॉल्स? बाइकस्पिड वॉल्स। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड प्रियंका। यहाँ पे बाइकस्पिड ओपन हुई, हमारा ब्लड फ्लो करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ये कहाँ मूव करेगा? अपवर्ड मूवमेंट होगी इसकी भी, अयोटा से हमारी, दिस वन इज आर अयोटा, और अयोटा से कहाँ मूव करेगा? हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। ओके, सो ये है हमारी सर्कुलेशन ब्लड की, हमारे ह्यूमन हार्ट की। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे दो टाइप की सर्कुलेशन हो रही है। एक जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है एक चैम्बर में, और एक चैम्बर में कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव। तो इस टाइप की सर्कुलेशन को, और ये किसके थ्रू हो रही है? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट, ओके, अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट इन। चलिए मुझे बताइए, इससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप कर रही हूँ, आपको क्विकली उसका रिप्लाई करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ और कुछ ऑप्शंस दूंगी आपको, मुझे फटाफट जो है उसका रिप्लाई करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके गाइस, जल्दी बताइए, ये तीन ऑप्शन हैं आपके पास। क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट ऑफ फिश एंड ह्यूमंस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सी, वेरी गुड प्रियंका, दिस वन इज द राइट आंसर। रिस्पेक्टिवली पूछा है, रिस्पेक्टिवली तो हमें इनके रिस्पेक्ट में बताना है। सबसे पहले फिश में होता है, फिश हैव टू चैम्बर्स, ठीक है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, ह्यूमंस में फोर चैम्बर्ड अभी हमने पढ़ा है, देन टू एंड फोर इज द करेक्ट आंसर। ओके रोहित, आपका क्वेश्चन है, रवि ने क्वेश्चन पूछा है, ए वी नोड और एस ए नोड क्या होता है? सो रवि, यस, करेक्ट आंसर रवि। रवि, जो ए वी और एस ए नोड्स होती हैं ये हमारे ऑरिकल्स में प्रेजेंट होती है, राइट साइड ऑरिकल के पास प्रेजेंट होती है। ये क्या करती हैं? दे जनरेट अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये शायद हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ेंगे इस पॉइंट को। ये क्या करती हैं? अब हार्ट को भी तो एक सिग्नल चाहिए कि उसको कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, ये सब सिग्नल चाहिए कि नहीं, है ना। तो ए वी एंड एस ए नोड, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर,
एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होगी और ये है साइनो एट्रियल, अपर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। दे बोथ गिव द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल टू द वेंट्रिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि कौन सा किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कौन सा रिलैक्स करेगा। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोवाइड करते हैं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए इस स्टेज पे। ओके, सो रवि समझ में आया एवी और एसए नोट का मैंने जो बताया आपको, ठीक है। और एक पॉइंट है जो अभी स्किप हुआ, अभी मुझे याद आया, नेक्स्ट पेज पे करती हूँ मैं उसको। हार्ट रेट, ह्यूमन हार्ट रेट कितना होता है, मतलब एक मिनट में कितनी बार हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है, ठीक है। हमारा जब हार्ट बीट करता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है लब डब की, ठीक है। तो कितनी बार हमारा हार्ट जो है एक मिनट में बीट करता है, तो हार्ट रेट इज इक्वल टू 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, दिस इज द एवरेज रेट, ठीक है। नॉर्मली जो एवरेज रेट है ह्यूमंस के केस में दैट इज 72 बीट्स पर मिनट, ओके। और इसके अलावा जो मैंने अभी समझाया, अगर कुछ समझ नहीं आया तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछिए। एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रही हूँ वो है, जो हमारा ब्लड हार्ट रेट क्या डिटरमाइन करता है, हमारा ब्लड प्रेशर, कि किस प्रेशर से जो हमारा ब्लड है वो फ्लो कर रहा है हमारी आर्टरीज एंड वेन्स में। तो हमारा ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120/80 mmHg। कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर, बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर इज़ द डिवाइस विच वी यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80, ठीक है। ये सिस्टोल है और ये डायस्टोलिक प्रेशर है। एच जी का मतलब क्या है, यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एच जी। आपने देखा होगा ओके रोहित, आप मैं एक बार ये बता दूं फिर आपके डाउट्स लेती हूँ। ये आपको समझ में आ गया ना, 120 एच जी का होता है जब हम आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट में ऐसे जो है यहाँ पे रीडिंग्स लिखी होती हैं, मार्क्स लगे होते हैं कि 10, 20, 30, 40, ठीक है। मैक्सिमम होता है 120, लोअर जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80। तो इसमें एक लिक्विड रन करता है इस ट्यूब में, तो इस ट्यूब में जो लिक्विड यूज़ होता है वो होता है मरकरी, और मरकरी का सिंबल है एच जी, तो दिस इज़ द लेवल ऑफ मरकरी, ठीक है। मरकरी लेवल कितना आता है हमारा, तो एच जी का मतलब यहाँ ये है, ठीक है। रोहित आपने क्वेश्चन पूछा स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है, इट इज़ एन ऑर्गन, ठीक है, जहाँ पे कुछ जो हमारे फाइटिंग सेल्स होते हैं उनकी सिंथेसिस होती हैं, ठीक है। और इसके और रोल हैं, फर्स्ट जो हमें यहाँ पढ़ना है उसके रिगार्डिंग इसका क्या रोल है। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे डिग्रेडेशन होती है आरबीसीज की, डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसीज अकर, ठीक है। यस रोहित, मरकरी होता है। रोहित आपका क्वेश्चन क्या है, सिंथेसिस डी सिंथेसिस एंड लाइफ टाइम ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ओके। डब्ल्यूबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या है, डिग्रेड होते रहते हैं और बनते रहते हैं, ठीक है। इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है, ये भी कहाँ बनेंगे, मैंने कहाँ बताया था, बोन मैरो में भी बनेंगे, ये भी बोन मैरो में बनते हैं,
और इनका डिग्रेडेशन कॉज करता है, कौन कॉज करता है? जैसे अगर हमें डिजीज़ है, अगर बैक्टीरिया का अमाउंट नंबर ज़्यादा हो जाते हैं उस केस में WBCs को किल हमारे बैक्टीरियाज भी करते हैं, अगर नॉर्मल केस है तो इनको मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है? या फिर आपने लाइसोजोम्स का नाम सुना होगा, ठीक है? ये क्या करेंगे, इस मटेरियल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है? तो रोहित, सिंथेसिस होता है और डिग्रेडेशन वर्ड होता है, डिसिंथेसिस कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है? तो डिग्रेडेशन होता है। सो ये आज का था। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्लांट्स का डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे जो हमारा एक्सक्रीशन है वो भी हम कंप्लीट करेंगे, और इससे रिलेटेड नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चंस भी करेंगे। आप लोग प्रेजेंट रहा कीजिए, मैं क्वेश्चंस भी कराती हूँ, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ओके गाइस, थैंक यू। यही आज हम स्टॉप करेंगे अपना टॉपिक, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारा नेक्स्ट बचा हुआ है प्लांट्स में एंड एक्सक्रीशन दोनों में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ओके okay?